हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास नथिंग फ़ोन 2 का फ़ोन है या तो फिर नथिंग का कोई भी मॉडल है, तो आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको जिस भी सिम कार्ड में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप लोग उस सिम कार्ड को क्लिक कर लीजिए। तो सपोज़ यहाँ पर फर्स्ट सिम में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देता है मोबाइल डेटा का, तो आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर लीजिए। आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सेस पॉइंट नेम का, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में 3 डॉट दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर रिसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर इसको रिसेट कर लीजिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको रिसेट करेंगे तो आपके फ़ोन में जो APN सेटिंग होता है वो यहाँ पर रिसेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको नेटवर्क में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि आपका फ़ोन में जो है नेटवर्क नहीं आता है ना, तो आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में एयरप्लेन मोड को ऑन कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड को ऑन करके दोबारा से ऑफ कर लीजिए तो फिर आपके मोबाइल में जो नेटवर्क है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।